तो यहाँ का मेन्यू क्या क्या है भैया? यह सिंगल एग रोल 35, डबल एग रोल 40, सिंगल एग की चिकन रोल 55, डबल एग की चिकन रोल 65, डबल एग डबल चिकन 80, सिंगल एग डबल चिकन 70, ओनली चिकन रोल 50, ओनली डबल चिकन रोल 60, सिंगल एग की पनीर रोल 55, डबल एग की पनीर रोल 65, डबल एग की डबल पनीर रोल 80 और सिंपल वेज रोल 30। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज जो है हम लोग रामचंद्रपुर आए हुए हैं, काठी रावल का शॉप है वहीं पे आए हुए हैं, तो आप लोग को हम दिखाते हैं कि यहाँ पे काठी रोल जो है किस तरह बनाया जाता है। ये जो काठी रोल का शॉप है बहुत ही पॉपुलर है बिहार से इसमें। दुकान का सेटअप कुछ इस तरह है, ये देखिए इधर मोमोज वगैरह भी मिलता है और उधर भैया जो है रोल वगैरह बनाते हैं। 8 साल से आप दुकान चला रहे हैं ना, तो आपके पास क्या क्या मेन्यू रहता भैया? मेन्यू में है अंडा रोल है, चिकन रोल है, पनीर रोल है, मोमोज है, चिकन का, वेज का। और क्या प्राइस आप लोग रखे हैं? प्राइस सिंगल अंडे का 35 है, डबल का 40 है, चिकन रोल 50 का है, पनीर 50 का है। अंडा ऐड करने पर एक अंडा ऐड कीजिएगा तो 10 रुपये बढ़ जाएगा, 2 में 30 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए बनाइए डबल एग पनीर रोल। डबल एग पनीर रोल, हाँ। तो हम लोग दोस्तों बनवा रहे हैं भैया से डबल एग पनीर रोल। तो लच्छा पराठा का 7 रोल मिलेगा, ये देखिए इनका, देखिए उस तरह भैया जो है बेलेंगे, ताजा ताजा बेल के खिलाते हैं। बिहार शरीफ में ऐसा रोल नहीं मिलेगा, इनका जो रोल होता है बिहार शरीफ और पूरा नालंदा जिला का बेस्ट एग रोल या चिकन रोल या पनीर रोल या वेज रोल होता है। तो आप लोग एक बार जरूर आइए, मोमो और रोल दोनों फेमस है। यस, यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आता है खाने के लिए, यहाँ का पुलिस वाला सब खाते हैं, सब बोलते अच्छा है। ये देखिए दोस्तों अब हम लोग का रोल जो है बनेगा, ये देखिए पराठा है भैया का, तो इसे पराठा, हाँ लच्छा पराठा है जिसे भैया जो है सेकेंगे इस तरह। देखिए इनका रोल का खासियत ही होता है कि इनका रोटी या पराठा जो है बहुत ही क्रिस्प होता है। ये देखिए इस तरह जो करके हैं भैया, पहले पराठे को क्रिस्प कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह कुछ किए हैं। हम लोग का जो ऑर्डर है डबल एग पनीर रोल है, डबल एग विथ पनीर रोल, डबल एग विथ पनीर रोल है। ये देखिए उस तरह, देखिए क्रिस्प हो चुका है हम लोग का पराठा। तो भैया जो है सबसे पहले अंडा को देखिए इस तरह पहले फेंट लिए हैं, ये देखिए फेंटने के बाद इस तरह पहले तवा पे ये लोग अंडा डाल दिए हैं। अब अंडा को पराठे के साथ सेकेंगे कुछ इस तरह, ये देखिए। और ये देखिए उधर जो है किन्हीं दूसरे आदमी का ऑर्डर है जिनका प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, तब आप पहले ही पराठा को रख देते हैं। ये देखिए हम लोग का पराठा जो है इधर सिक रहा है अंडा के साथ, इसको कितना मिनट कुक करते हैं भैया अंडे के साथ? ये देखिए अंडा के साथ जो है भैया लगभग 1 मिनट के आसपास कुक करते हैं इस तरह। देखिए साइड पलटने के बाद इस तरह थोड़ा सा ये प्रेस करते हैं ताकि जो भी अंदर सा कच्चा हो वो भी पक जाए अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरह, ये देखिए पराठा जो है हम लोग का काउंटर पे आ गया है। तो भैया जो है जो जो इसे मटेरियल डलेगा वो डालेंगे। ये देखिए सबसे पहले ये पनीर का कुछ स्लाइस गया है, दो सिंगल एग चिकन रोल, दो सिंगल एग कुछ गया है, ये पनीर गया। उसके बाद ये मसाला है, पनीर डालने के बाद देखिए इन लोग का कुछ ये सैलेड की तरह है, तो पत्ता गोभी और बीट वगैरह है। उसके बाद प्याज रहेगा सर, ये देखिए कटा हुआ अनियन है, ये देखिए मिर्ची है, अगर आप लोग ज़्यादा मिर्ची खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालवाइए, कम खाना चाहते हैं तो कम डालेंगे भैया। इसके बाद देखिए नींबू गया है, नींबू का जूस, उसके बाद चाट मसाला, इसके बाद देखिए इनका चाट मसाला गया, उसके बाद टमाटो सॉस, उसके बाद ये टोमेटो केचप, उसके बाद चिल्ली केचप, उसके बाद चिल्ली सॉस गया इसमें, उसके बाद मेयोनीज, देखिए मेयोनीज गया इसमें।
उसके बाद इसको इस तरह देखिए ये लोग फोल्ड करके पेपर में रैप करके देते हैं। ये देखिए अब हम लोग का रोल जो है बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है। ये इस तरह